Rahim. Assalamu alaikum. Today we are starting a very, very important course in economics. Uh, that is monetary economics. And for this course, I, Wasim Shahid Malik, will be with you for the whole semester. Uh, this is the branch of economics which deals with the issues related to individuals, businesses, and government. तो आपको भी एक आइडिया होगा कि जब कभी भी कोई बंदा इकोनॉमिक्स की बात करता है तो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बंदे से जो आम लोग सवाल करते हैं वो सबसे पहले मनी के बारे में होता है मसलन कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज़ है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोट छाप के वो कर्ज़ क्यों नहीं उतार देती या एक्सचेंज रेट आजकल पाकिस्तान में एक इशू बना हुआ है तो उस लोगों को ये क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स वालों से कि कैसे एक्सचेंज रेट किसी इकानोमी का मूव करता है क्यों रुपया जो कभी दस रुपए डॉलर जो कभी दस रुपए पे था बीस रुपए पे हुआ सौ रुपए पे हुआ वो तीन सौ तक क्यों पहुंच गया ये सवाल ऐसे हैं जो एक आम इंसान के होते हैं और वो किसी भी इकानोमिस्ट से पूछते हैं हमारा कोर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इस किस्म के टॉपिक से डील करता है बट लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक फर्स्ट दैट वट वी विल कवर इन द होल सब्जेक्ट ये हमारा सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स किन किन इश्यूज पे बेस करेगा लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हम ये देखें कि उसकी डेफिनेशन क्या है उसको लोग कैसे बड़े इकोनिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉनिटरी इकोनॉमिक्स किस बोलते हैं तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो मैकेलम की है कि मॉनिटरी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किससे डील करता है वो डील करता है इससे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन होते हैं आपके इकानोमी में जैसे एक मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन आपकी पेमेंट टेक्नोलॉजी है तो वो पेमेंट टेक्नोलॉजी या मॉनिटरी पॉलिसी के कुछ एक्शन होते हैं जैसे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई डिसीजन ले लेता है तो सवाल ये होगा कि इसके इकानोमी के ऊपर इफेक्ट्स क्या आएंगे मसलन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कंजम्पशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ओवरऑल हमारी इनकम या जीडीपी पे क्या इफेक्ट आएगा तो ये जो पॉलिसी एक्शंस के इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे हैं ये सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में इसी तरीके से कुछ और इकोनॉमिक्स की भी डेफिनेशन है जैसे इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मनी से डील करता है और मॉनेटरी रिलेशनशिप से डील करता है मैं आपको बाद में ये डिटेल से बताऊंगा कि मॉनेटरी रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं लेकिन एग्जाम्पल के लिए मनी और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप एक मॉनिटरी रिलेशनशिप है तो मॉनिटरी रिलेशनशिप और मनी के बारे में ये सब्जेक्ट डील करता है इसी तरीके से एक और डेफिनेशन ये है कि ये वो सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि मॉनिटरी पॉलिसी के जो एक्शन है या मॉनिटरी अथॉरिटी के जो डिसीजन हैं वो आपकी एक मॉडर्न इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं एक और डेफिनेशन ये है कि मॉनिटरी इकोनॉमिक्स चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपके सब्जेक्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स एसेंशियली एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है लेकिन इसमें एम्फेसिस किस पे है मनी पे मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन पे और मॉनिटरी पॉलिसी पे तो सबसे पहले मैं मॉनिट्री पॉलिसी मॉनिटरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बाद आपको जिस पॉइंट पे ले जाऊंगा वो ये है कि मॉनिटरी इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है ये किस लेवल से लेके किस लेवल तक टॉपिक्स को कवर करता है तो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स में हम मोस्टली तीन एरियाज़ को लेते हैं और पूरे सेमेस्टर में हम इन्हीं तीन एरियाज़ पे हमारी डिस्कशन होती रहेगी उसमें सबसे पहला एरिया है मनी अब मनी सबसे पहला टॉपिक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का अब मनी से रिलेटेड हम क्या पढ़ सकते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मनी का ओरिजिन क्या है फॉर एग्जाम्पल मनी क्या जिस शेप में है आज हमारे पास क्या आज से 200 साल पहले भी इसी शेप में थी आज से 2000 साल पहले भी इस शेप में थी नहीं इस शेप में नहीं थी तो हम ये देखना चाहेंगे कि मनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ आज जिस मनी की फार्म में हम पहुंचे हैं जो मनी आज हमारे पास अवेलेबल है वो अगर 200 साल पहले 2000 साल पहले अवेलेबल नहीं थी तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ मनी में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मनी की वैल्यू क्यों है ये तो पीसेज ऑफ पेपर हैं जो मनी आज हम यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से आती है कहाँ से डिटामिन होती है देन वाई डू पीपल एक्सेप्ट दिस मनी इन देयर ट्रांजेक्शन्स आप दुकान पर जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्यों दुकानदार आपको रियल गुड्स दे देता है इन पीसेज ऑफ पेपर के बदले में वो एक्सेप्ट क्यों करता है फिर सवाल यह है कि आप अपने पास मनी कितनी होल्ड करते हैं आपके पास मनी हर बंदे एक जितनी मनी नहीं होल्ड करता तो आप कितनी मनी अपने पास रखते हैं और कितने बाकी एसिड्स रखते हैं ये मनी के टॉपिक में हम कवर करेंगे इसको हम मनी डिमांड कहते हैं फिर मनी के टॉपिक में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी सप्लाई मनी सप्लाई से मुराद ये है कि सेंट्रल बैंक मनी इशू करता है तो इकानोमी में एक वक्त में कितनी मनी होगी या सेंट्रल बैंक किस प्रोसेस से ये मनी इशू करता है डिसाइड कैसे करता है कि इकोनॉमी में मनी कितनी होगी ये सब हम मनी सप्लाई के टॉपिक में कवर करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट स्कोप में जो इशू में डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है मॉनिटरी थेरी यानी कि जब आप मनी से रिलेटेड हर डिटेल सीख लेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मॉनेटरी थेरी और मॉनेटरी थेरी से मुराद है मॉनेटरी रिलेशनशिप्स यानी कि आपके वेरिएबल्स एक तरफ मनी या मॉनेटरी पॉलिसी से कोई और रिलेटेड वेरिएबल जैसे इंटरेस्ट रेट है एक तरफ मॉनेटरी वेरिएबल होता है दूसरी तरफ आपके अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन होता है एम्प्लॉयमेंट होता है आउटपुट होती है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हो सकता है एक्सचेंज रेट हो सकता है तो आपने इसमें ये स्टडी करना है कि मॉनेटरी वेरिएबल के चेंज होने से अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे चेंज हो जाते हैं ये हम किस में पढ़ते हैं ये मॉनिटरी थेरी या मॉनिट्री रिलेशनशिप में डिस्कस किया जाता है इसके बाद इसी में मॉनिट्री थेरी या मॉनिटरी रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेक्टेशन का है एक्सपेक्टेशन्स आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये क्लियर हो या आपकी एक्सपेक्टेशनस हो कि एक साल बाद जिस चीज़ को मैं लेना चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कार ख़रीदनी है तो एक साल बाद वो कार महंगी हो जाएगी तो अगर मैं कहीं से रिसोर्स प्रोड्यूस करके चाहे मैं लोन लेके वो कार आज पर परचेज कर लूं सिर्फ इस वजह से कि मेरी एक्सपेक्टेशन है अगले साल ये महंगी हो जाएगी तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशंस का रोल हमारी इकोनॉमी में आ गया क्यों वो मेरे डिसीजन में आ गया अब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का कैसे टॉपिक बना क्योंकि इन्फ्लेशन रेट मनी से रिलेटेड है तो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स में हम एक्सपेक्टेशन का रोल भी डिस्कस करेंगे फिर इसी टॉपिक के अंदर एक माइक्रो फाउंडेशन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिलेशनशिप्स की क्योंकि मैंने कहा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो आपके एग्रीगेट से डील करता है इन्फ्लेशन रेट पूरी इकोनॉमी की प्राइसेस हैं उसमें इंक्रीज को हम क्या कहते हैं इन्फ्लेशन रेट जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये किसी इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट नहीं होती ये एम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी में एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेट से हम डिस्कस कर रहे होते हैं जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो मेजर रिलेशनशिप्स हैं, जो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे जिन्हें हम मॉनिटरी रिलेशनशिप्स कहते हैं उनकी माइक्रो फाउंडेशन क्या हैं? यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे वो डिसीजन लिए कैसे जाते हैं जो अल्टीमेटली हम मैक्रो लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं इसमें तीसरा मॉनिटरी इकोनॉमिक्स के अंदर जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पूरे सेमेस्टर में जो कि हमारे सेमेस्टर के मोस्टली एंड पे आता है तो इसमें हम क्या कवर करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी क्या चीज है मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली स्टेट बैंक की पॉलिसी है या किसी मुल्क के सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है वो पॉलिसी जो मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट से डील करती है ये हम थोड़ा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मॉनिटरी पॉलिसी की डिटेल्स पढ़ेंगे लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए हम ये कह रहे हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक की पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर तो हम इसके अंदर ये सीखना चाहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सेंट्रल बैंक अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए वो रीज़न वो ऑब्जेक्टिव क्या है फिर हमारे टारगेट्स क्या हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं जिन वेरिएबल्स के बारे में टारगेट्स हैं उनके बारे में हमारे फोरकास्ट क्या कह रहे हैं फिर सेंट्रल बैंक के बारे में हम देखेंगे कि वो जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है उसके लिए सेंट्रल बैंक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज करेगा फिर हम ये देखेंगे कि सेंट्रल बैंक जब कोई डिसीजन लेता है तो उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम सीखने की कोशिश करेंगे और फिर इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे इस कोर्स के अंदर कि किसी भी मॉडर्न सेंट्रल बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये डिस्कस करेंगे कि मॉनिटरी पॉलिसी के डिफरेंट रेजीम्स हो सकते हैं आप एक्सचेंज रेट को भी टारगेट कर सकते हैं आप इनकम को भी टारगेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को भी टारगेट कर सकते हैं तो ये मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे लेकिन ये ओवर टाइम डिस्कस होते रहेंगे थ्रू आउट सेमेस्टर थैंक यू